केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अनिरुद्ध सिंह नाम के एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये मामला बेहद संगीन है। दरअसल आरोपी अनिरुद्ध सिंह अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा के दफ्तर में कार्य करने वाला अधिकारी बताता था। इसी पद के नाम पर वो बोइंग कंपनी द्वारा हुई किसी डिफेंस डील से जुड़े मामलों की जानकारी जुटाने में लगा हुआ था। लेकिन इस मामले में शक होने पर बोइंग कंपनी ने प्रधानमंत्री के दफ्तर में लिखित तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर से इस मामले की जानकारी सीबीआई को दी गई और मामला दर्ज कर लिया गया। बोइंग देश की एक काफ़ी चर्चित कंपनी है जो डिफेंस डील से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर पिछले कई सालों से लगातार काम कर रही है। राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग पर इस कंपनी का दफ्तर भी है। इसी कंपनी के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर कार्यरत प्रवीणा के मेल आईडी से प्रधानमंत्री दफ्तर को 5 नवंबर 2019 को इसकी जानकारी दी गई थी। अनिरुद्ध सिंह नाम का ये शख्स अपने आप को जितेंद्र सिंह के साथ काम करने वाला अधिकारी बताता है। जितेंद्र सिंह दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा के स्पेशल सहायक पद पर कार्यरत है। उनके साथ कार्य करने का दावा करके आरोपी अनिरुद्ध सिंह बोइंग कंपनी के दफ्तर में कई बार कॉल करके कुछ रक्षा सौदा से जुड़े मामले की जानकारी लेने का प्रयास कर रहा था। जब इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री के दफ्तर को दी गई तो इसके बाद 22 जनवरी 2020 को पीएमओ ने तुरंत इसी जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस मामले में शुरुआती जांच करने के बाद औपचारिक तौर पर एफआईआर 30 जून को दर्ज किया। एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर क्यों हुई, इस मामले पर सीबीआई की तरफ से कोई औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब इस मामले में सीबीआई कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तफ्तीश करने में जुट गई है। सीबीआई की टीम इस मामले में ये भी जानने का प्रयास करेगी कि आरोपी अनिरुद्ध सिंह का क्या कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। इसके साथ ही ये भी तफ्तीश का मुख्य मसला होगा कि उसने बोइंग कंपनी में किसके इशारे पर और क्यों फ़ोन किया था। क्या अनिरुद्ध सिंह का किसी रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी या किसी डिफेंस डील करने वाली कंपनी का एजेंट के साथ कनेक्शन तो नहीं है। आने वाले वक्त में सीबीआई की टीम इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से जाँच पड़ताल करके काफ़ी और खुलासे कर सकती है।